नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने टॉपिक वाइज क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि यूजीसी सीएसएआर नेट में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व किया है। तो आज ये तो वीडियो है, ये दूसरा वीडियो जिसमें हम प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेंट्रल फोर्स जो कि हर टाइम पूछा जाता है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि सर्कुलर ऑर्बिट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे डील करना है तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इन जनरल मैंने देखा है हर एक साल लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्या है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो कि सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड होते हैं और सर्कुलर ऑर्बिट से, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले जो हमारा बेसिक नीड है जो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा डिप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो जो बेसिक नीड है वो हमारा क्या है कि हमको जो इफेक्टिव पोटेंशियल है, ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं हम जे है, ठीक है, या तो एल है, कोई भी है, तो वी इफेक्टिव जो पोटेंशियल है वो आपको जानना जरूरी है। तो वी इफेक्टिव हमेशा ये हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, ओके, प्लस वी ऑफ आर, ठीक है। वेल, वी ऑफ आर इज द पोटेंशियल, ओके। और दूसरा जो चीज हमें मतलब जानना पड़ेगा वो है कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट क्या होता है कि डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर शुड इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशन से हम इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है अभी आप क्वेश्चन में देखोगे उसको हम लगभग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आइए। तो जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है। सबसे पहला क्वेश्चन कि टू पार्टिकल ऑफ आइडेंटिकल मास मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडर ए सेंट्रल पोटेंशियल वी आर इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर, ठीक है। लेट एल वन एंड एल टू बी द एंगुलर मोमेंटम एंड आर वन एंड आर टू बी द रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट रेस्पेक्टिवली। इफ एल वन बाई एल टू इक्वल टू टू द वैल्यू ऑफ आर वन बाई आर टू इज रूट टू वन बाई रूट टू टू वन बाई टू, ठीक। तो जो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि जो दो कंडीशंस है उन्हीं दो कंडीशंस को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है, उन्हीं से पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पर हमको वी आर दिया हुआ है हाफ के आर स्क्वायर, ठीक है, और कह रहा है कि एल वन एल टू बी द एंगुलर मोमेंटम एंड आर वन एंड आर टू बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स। तो अगर एल वन बाई एल टू का वैल्यू टू है तो वैल्यू ऑफ आर वन बाई आर टू इज रूट टू वन बाई रूट टू टू वन बाई टू, ठीक है, निकालना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है अंडर सेंट्रल पोटेंशियल, ठीक है, हैविंग आइडेंटिकल मास m, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको कहा था कि v ऑफ r जो है, ठीक है, मींस v ऑफ r जो है वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ ऑफ के आर स्क्वायर, ओके, ये हमको पता है। और हमको क्या लिखाना है, v इफेक्टिव हमको पता है। अगर फॉर्मूले से मैं देखू जे स्क्वायर बाई टू एम आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर, ये होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एल वन एंड एल टू बी द एंगुलर मोमेंटम, तो यहां पर मैं जे के बदले में एल वन एल ले लेता हूं, ठीक है। तो जो वी इफेक्टिव जो मेरा हो जाएगा, वी इफेक्टिव शुड इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर इज हाफ ऑफ के आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर वन लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको वी इफेक्टिव लिख लेना है, ठीक है। तो वी इफेक्टिव हमने अब लिख लिया, अब हमको क्या करना है, कंडीशन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट अप्लाई करना है, ठीक है, कंडीशन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट क्या कहता है, वो कहता है कि डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर शुड इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएट कर लिए विथ रिस्पेक्ट टू आर और आप वैल्यू बिठा दीजिए, तो मैं कहता हूं एल स्क्वायर अपॉन टू एम और आर स्क्वायर का मतलब है आर टू दी पावर माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू टू दी पावर आर थ्री, ओके ओके, प्लस यहां पर हो जाएगा हाफ के और यहां पर टू आर, ठीक है, शुड इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से अगर मैं टू से टू कैंसिल कर देता हूं तो उसका वैल्यू जो आता है वो क्या आता है, माइनस
एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब ओके प्लस के आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब आप थोड़ा क्वेश्चन में फोकस कीजिए। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमको एल वन बाई एल टू का वैल्यू पता है 2 और हमको आर वन बाई आर टू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं कंसिडर करता हूं, ठीक है, तो इसमें से मुझे सीधा इधर एल और आर का रिलेशन निकालना है, तो हमको वैल्यू पता हो जाएगा। अब देखो मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल टू के आर। ठीक है, और आर से मैं, ठीक है, सॉरी ये हो गया के आर। ठीक है, तो यहां से मैं एल स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकता हूं, एल स्क्वायर इक्वल टू के एम आर फोर। ठीक है, ठीक है, अब देखो के इज कॉन्स्टेंट, एम इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स व्हाट, एल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर फोर। ठीक है, ये हमको रिलेशन एक मिल गया। ठीक है बेटे, तो यहां से मैं कह सकता हूं एल इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये भी मैं कह सकता हूं। अब देखो आप, अब इस रिलेशन को हम यूज करेंगे, हमको दिया हुआ है कि एल वन बाई एल टू का जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, ठीक है, तो आर का एल के साथ क्या रिलेशन है, दैट मीन्स वॉट, आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल, है कि नहीं। तो अगर मैं R1 वन बाई आर टू निकालने जाऊं तो व्हाट इज द वैल्यू R1 वन बाई अगर R2 निकालने जाऊं तो इट विल बी इक्वल टू रूट L1 वन बाई एल टू। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू रूट 2। सो ऑप्शन नंबर अगर आप चेक कर लें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो जिसमें सिर्फ वी इफेक्टिव निकालना है एंड कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट हमें अप्लाई करना है, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस 3-4 और करा देता हूं ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने में ही झटके से आंसर पता लग जाए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन मैंने कॉपी में लिख लिया, वो आप देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि ए प्लैनेट ऑफ मास एम एंड एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन द पोटेंशियल वी आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर वेयर के इज कॉन्स्टेंट। इफ इट इज स्लाइटली परटर्ब्ड रेडियली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियल ऑसिलेशंस आर, ऑप्शन में दिया हुआ एम के स्क्वायर अपॉन रूट टू एल क्यूब, एम के स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, रूट टू एम के स्क्वायर अपॉन एल क्यूब एंड रूट थ्री एम के स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। ठीक है, तो यहां भी क्या कह रहा है कि हमको पोटेंशियल दे दिया और कह रहा है कि कोई भी प्लेनेट है जिसका मास एम है और एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है इन द पोटेंशियल वी आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अगर कोई कहीं भी आपको कोई भी डाउट है अभी तक, तो आप मेरा पहला वीडियो जो हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी में बनाया है वो आप देख सकते हो, और मुझे लगता है उस वीडियो को देखने के बाद आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कोई डाउट नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए और बिल्कुल टेक्निक वाइज पैटर्न वाइज मैंने कराया ताकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन कोई भी बच्चा आराम से टच कर पाए। ठीक है, अब देखो अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं तो आप देख लीजिए, लेकिन मैं यहां पर इस क्वेश्चन में हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम, के इज व्हाट, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लो, तो अब देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में कुछ ऐसा टाइप का है कि हमको सबसे पहले वी आर का वैल्यू इन्होंने दे रखा है जिस पोटेंशियल में ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आर, इट इज माइनस के अपॉन आर। ठीक है, अब देखो बेटे मैंने क्या कहा था कि आपको सबसे पहले वी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट के बात है, तो वी इफेक्टिव हमको निकालना पड़ेगा और वी इफेक्टिव के बाद हमको कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर इन्होंने हमको क्या है? कहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, एल है, तो मैं यहां पर जे के बदले एल लिखता हूं, तो वो क्या होता है, एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस वी ऑफ आर। सो प्लस वी ऑफ आर का वैल्यू जो हमें वो दे रखा है इन्होंने, माइनस ऑफ के बाई आर। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, क्या आ गया, वी इफेक्टिव। ठीक है बेटे, अब देखो मुझे क्या करना है, कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट लिखना है। ठीक है, निकालना है कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट।
कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहां पर देखो डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर, ये होता है कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर इक्वल टू जीरो होता है तो ये क्या है, ये कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूं मैं इसको, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू आर, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो कर लेता हूं मैं, तो यहां पर मैं करता हूं तो एल स्क्वायर अपॉन टू एम, आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं आर टू द पावर माइनस टू, तो ये आ जाएगा माइनस टू बाई आर थ्री, ओके माइनस के वन बाई आर, सो इट विल बी, इट विल बी माइनस वन बाई आर स्क्वायर, ओके तो वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो टू से टू कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस टू एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, सॉरी टू से टू कैंसिल, इट विल बी ओनली एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब एंड इट विल बी प्लस के बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से मुझे किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस के बाई आर स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, देखो आर स्क्वायर से यहां पर कैंसिल। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एम के इक्वल टू आर। ठीक है, तो आर का जो वैल्यू है वो मैंने निकाल लिया एल स्क्वायर अपॉन एम के। ठीक है, तो यही आप मान सकते हो आर नॉट है। ठीक है, अगर मैं कहूं, अगर आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन देखा होगा तो आर नॉट क्या होता है, के इज व्हाट, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है ओमेगा, वो क्या होता है अंडर रूट के बाई एम, एंड व्हाट इज के, के इज डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू या तो डेल आर टू एट आर इक्वल टू आर नॉट, मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है। तो आर नॉट इक्वल टू व्हाट, मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, शायद आर नॉट इक्वल टू आप कह सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन एम के। ओके, अब मुझे ओमेगा निकालना है और हमने कंडीशन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट अप्लाई करके आर नॉट मीन्स दैट आर का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब देखो वी नो दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। ओके ओके, एंड यहां पर कह दिया है कि जो मास है वो एम ही है तो वो एम ही रहेगा। व्हाट इज के, के इज इक्वल टू डेल टू वी अपॉन डेल आर टू एट आर इक्वल टू आर नॉट, तो आर इक्वल टू आर नॉट का वैल्यू क्या है एल स्क्वायर अपॉन एम के। ठीक है, तो अब जो हमारा जो वी इफेक्टिव है ना बेटे, उसको हमें क्या करना पड़ेगा और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, तो पहले जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो हमारे पास क्या आया था, आई थिंक हमारे पास जो आया था वो था एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब प्लस के बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू डेल अपॉन डेल आर। ठीक है, क्योंकि हमें के का वैल्यू निकालना है, के इक्वल टू डेल टू बी अपॉन डेल आर टू एट आर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई एम के। जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें आर के जगह पर हम ये वैल्यू बिठाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एल स्क्वायर माइनस थ्री बाई एम आर फोर। ठीक है ठीक है, और यहां पर आ जाएगा के माइनस टू बाई आर थ्री। ठीक है, अब देखो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आया, थ्री एल स्क्वायर अपॉन एम आर फोर, थ्री एल स्क्वायर अपॉन एम आर फोर माइनस टू के अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब देखो आर इक्वल टू आर नॉट, तो आर नॉट का वैल्यू क्या है एल स्क्वायर अपॉन एम के, हमको आर के प्लेस में बिठाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं थ्री एल स्क्वायर अपॉन एम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज एल बाई एम के, एल बाई एम के टू द पावर फोर माइनस टू के बाई एल बाई एम के टू द पावर थ्री। ओके, अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, थ्री एल स्क्वायर अपॉन वन इंटू एम
3k4 upon l 4। सॉरी ये तो एल स्क्वायर था, तो यहां पर एल स्क्वायर, सॉरी इट विल बी एल एट, ये आ जाएगा एल एट माइनस 2k/1 इंटू m³k³/l6। ठीक है, और एल स्क्वायर से एल ये हो गया 6। ठीक है, तो जो टोटल जो वैल्यू आता है वो कुछ इस टाइप का आता है, m³k⁴/l6। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, m³k⁴/l6। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, दिस इज द वैल्यू ऑफ k, कैपिटल k, ठीक है, मींस दिस k। अब हमें पता है कि ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, रूट के बाई एम, सो रूट एम क्यूब, के इज m³ upon k⁴ upon l⁶, ओके इंटू एम, ओके, सो इट विल बी द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर का मतलब एम, के फोर का के स्क्वायर अपॉन एल सिक्स का क्या आ जाएगा, एल थ्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू एम के स्क्वायर अपॉन एल थ्री, एम के स्क्वायर अपॉन एल थ्री। तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है जो पहले हमने किया था, और जिसमें सिर्फ एक एडिशनल जोड़ दिया इन्होंने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना, तो वो पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका और एक सेम एज यूजुअल सिमिलर क्वेश्चन जिसमें भी हम वी इफेक्टिव निकालेंगे, फिर सर्कुलर ऑर्बिट का कंडीशन डालेंगे और सॉल्यूशन आएगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि कंसिडर सर्कुलर ऑर्बिट इन सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल। अगर थोड़ा विजिबल कम है तो आप, मैं बता दूंगा कि कंसिडर सर्कुलर ऑर्बिट इन सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल वी आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर एन, वेयर के इज ग्रेटर देन जीरो एंड एन इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन टू। ठीक है, इफ द टाइम टेकन, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एस टी वन एंड दैट ऑफ रेडियस टू आर एस टी टू, देन टी टू बाई टी वन इक्वल टू 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 दिपर एन बाई टू, टू टू दिपर 2/3n, 2n/2+1 एंड 2n। ठीक है, ऑप्शन देखना है। ठीक है, अगर आपको पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो यहां से आप देख सकते हैं, कंसीडर सर्कुलर ऑर्बिट एंड सेंट्रल पोटेंशियल, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल वी आर इक्वल टू दिस। तो इसमें भी कह रहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट है जो कि सेंट्रल फोर्स में है। ठीक है, और जो पोटेंशियल है वो क्या है, माइनस के अपॉन आर एन, वेयर के इज ग्रेटर देन जीरो एंड दैट इज एन इज जीरो टू एन टू। ठीक है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी वन एंड डेट ऑफ रेडियस टू आर इज टी टू, देन टी टू बाई टी वन इक्वल टू 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 दावर एन बाई टू, टू टू दावर वन बाई थ्री एन एंड ऑल दिस। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ऑटोमेटिक जब हम सोल्यूशन करेंगे तो आपको क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से बिल्कुल वी इफेक्टिव निकालेंगे एंड सर्कुलर कंडीशन जो है उसका कंडीशन अप्लाई करेंगे, डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी इन्होंने क्या किया कि वी आर हमको दे दिया। ठीक है, तो वी आर जो है मैं बता देता हूं, वी आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर टू द पावर एन। ठीक है, और इसमें कहा है कि के जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, एन इज ऑलवेज दिस। ठीक है, नाउ देखो एक चीज, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में है और सेंट्रल फोर्स में है तो हमको वी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। तो वी इफेक्टिव जो है वो क्या होता है, इन जनरल जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर, तो वी ऑफ आर के जगह पर के अपॉन आर एन। ठीक है, तो सिंस यहां पर हमें कोई भी एंगुलर मोमेंटम इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो एल है या जे है या कुछ भी है, तो हम यहां पर जे ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले सर्कुलर ऑर्बिट का कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में है तो क्या हो जाएगा, हमको पता है डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप निकाल लो वैल्यू बेटे, तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, माइनस टू बाई आर क्यूब। ओके ओके, प्लस इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा एन के अपॉन आर एन प्लस वन। ओके, तो इसका वैल्यू कितना है, जीरो। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है,
हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब ओके प्लस एन के अपॉन आर एन प्लस वन शुड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां तक तो हम पहुंच गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो इन्होंने पूछा क्या है। पूछ रहे हैं कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, अगर रेडियस आर का टाइम पीरियड हो गया टी वन एंड रेडियस टू आर का टाइम पीरियड हो गया टी टू। ठीक है बेटे, टी टू तो हमें निकालना है, टी टू अपॉन टी वन का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, अब एक बात देखो, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं वो इन जनरल हमको पता नहीं है, क्योंकि हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं, हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालते आ रहे हैं ओमेगा। ठीक है, ठीक है, तो ओमेगा निकालना हमको पता है, व्हाट इज ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ओमेगा का टाइम पीरियड का सर रिलेशन हमको पता है, क्योंकि ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, टू पाई एफ। ओके बेटे, तो मैं यहां पर कह सकता हूं ओमेगा अपॉन टू पाई, इसका वैल्यू क्या होता है, एफ। ठीक है, ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है, वन मीन्स एफ इज व्हाट, वन अपॉन टी। तो मैं यहां पर कह सकता हूं दिस इम्प्लाइज ओमेगा बाय टू पाई इज इक्वल टू वन अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी को मैं वन अपॉन टाइम पीरियड लिख सकता हूं। तो यहां से अगर मैं टाइम पीरियड का वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो जो मेरा जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन तो आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू टू पाई एफ, तो टाइम पीरियड जो है वो टू पाई बाई ओमेगा होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन यहां पर डायरेक्टली मुझे टाइम पीरियड मैं इस एक्सप्रेशन से मैं निकाल नहीं सकता। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ओमेगा वाला एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी वाला। तो देखो आप सबको पता है, अगर पता भी नहीं है तो आप याद रख लो, ये एक्सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। हम जे को क्या लिख सकते हैं, जे शुड इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। और एक बार यहां से हमने ओमेगा फाइंड कर लिया, फिर फ्रीक्वेंसी पूछे, टाइम पीरियड पूछे, कुछ भी पूछे, हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यू मस्ट नो दिस वैल्यू दैट जे इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है बेटे, अब ये आप रफ में लिख लेना। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर जे स्क्वायर जहां पर है वहां पर एम आर स्क्वायर ओमेगा लिख सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं लिखता हूं जे के जगह पर एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो जे स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर ये पहला तो ये माइनस रहेगा ही एम स्क्वायर, क्योंकि जे स्क्वायर है, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर आर फोर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। ठीक है, प्लस एन के बाय आर एन प्लस वन शुड इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मैं यहां से आर क्यूब से आर फोर कैंसिल कर, रहता है आर वन, एम से ये गया, तो टोटल जो बचता है वो क्या बचता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन के बाई आर एन प्लस वन। तो माइनस से माइनस कैंसिल। मैं आशा करता हूं कि आपने लिख लिया होगा, तभी मैंने रफ कर दिया, स्पेस की कमी है। ठीक है बेटे, अब देखो एम आर स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एन के अपॉन आर एन प्लस वन, मुझे ओमेगा से मतलब है, तो मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड में से ओमेगा स्क्वायर रखता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर में अगर यहां पर रखूंगा तो राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, एन के अपॉन एम नीचे आ जाएगा, एम क्योंकि यहां पर एम जो है एम नीचे आ जाएगा, और यहां पर आर जो है वो भी नीचे आ जाएगा, तो आर एन प्लस वन इंटू आर टू द पावर वन, तो आर एन प्लस टू। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहां पर मेरा एन के एंड एम दिज ऑल आर कॉन्स्टेंट ना, सो आई कैन राइट, इफ आई रिमूव द कॉन्स्टेंट सो आई कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर टू द पावर एन प्लस टू। मैं इजिली लिख सकता हूं, और मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर माइनस एन प्लस टू लिख सकता हूं। ठीक है, और अगर मैं यहां से ओमेगा का वैल्यू निकालना चाहूं, तो ओमेगा इक्वल टू आर टू द पावर माइनस एन प्लस टू बाई टू मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ओमेगा निकालने का मकसद मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हमको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड अगर हम ओमेगा पता है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटे हमको पता है कि रेडियस आर के लिए टाइम पीरियड हो गया टी वन, ठीक है, टू आर के लिए हो गया टाइम पीरियड टी टू, ठीक है, ठीक है, एंड ओमेगा का अगर वैल्यू हमको पता है तो इट विल बी टू पाई एफ। ओके, एंड इफ आई कैन राइट
टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इक्वल टू व्हाट, 2π/ओमेगा। ओके ओके, तो सबसे पहले मैं हमको निकालना एक्चुअली क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड T2/T1। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले T1 निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो मैं T1 निकालता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो T1 जब मैं निकालूंगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T1, तो T1 इज इक्वल टू, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, ओमेगा, सॉरी 2π/ओमेगा। तो T1 मैं इस केस में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सबसे ऊपर, हो जाएगा 2π/ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा मैं कह रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट मैं देख रहा हूँ R^-N/2/2। लेकिन T1 के लिए उसने कहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो आर है, तो इस आर के बदले में ये आर कंसिडर कर दूंगा, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस, इतना ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा R^-N+2/2, ठीक है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, T1 इज 2π R(N+2/2). अब सिमिलरली मैं T2 लिखूंगा, T2 के लिए जो रेडियस था, क्योंकि T2 के लिए जो रेडियस था वो था 2R, हमको पता है। तो जहां मेरा ऊपर, तो मेरा क्या आ जाएगा 2π, और नीचे आ जाएगा 2R, ठीक है बेटे, 2R, ठीक है, 2R, और ये हो जाएगा -N+2/2। सो दिस मीन्स व्हाट, T2 इज इक्वल टू 2π/2R(N+2/2), ठीक है। अब सीधा सीधा हमको T2/T1 निकालना है, ठीक है। सो T2/T1 का अगर मैं वैल्यू निकालू तो इट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/2R(2R)^2, ध्यान रखना 2R^(N+2/2), और यहां पर है 2π R^(N+2/2), ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, 2R यहां से डायरेक्ट आप कैंसिल नहीं कर सकते, तो यहां पर मैं 2π कैंसिल कर सकता हूं। तो मेरे पास जो बचता है वो इस टाइप का बचता है 2R/R। अब मैं कॉमन पावर यूज कर सकता हूं, तो कॉमन पावर क्या है, N/2/2, ओके। अब मैं यहां से R कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरा जो बचता है 2N+2/2, ठीक है। तो ये जो मेरा बचता है 2, मैं कह सकता हूं इट विल बी इक्वल टू 1+N/2, ठीक है। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इज करेक्ट। T2/T1 हमको निकालना था, तो 2 1+N/2, ठीक है। तो क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब होता है, लेकिन सॉल्यूशन अगर आप ढंग से करें, अगर आप सब कुछ जान के करें, तो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन निकालना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तीन चीजें, एक तो ये नया एडिशन है J=mR²ω, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी सीरीज में, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, नेक्स्ट दो क्वेश्चन एक्चुअली मुझे कराना है, लेकिन देखता हूँ वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, तो एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, देख लो कि कह रहा है कि ए प्लेनेट ऑफ मास m एंड एन एंगुलर मोमेंटम l मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, सॉरी वो क्वेश्चन हमने ले लिया था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इन द अट्रैक्टिव केपलर्स प्रॉब्लम डिस्क्राइब बाय सेंट्रल पोटेंशियल Vr = -K/R, वेयर K इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, ए पार्टिकल ऑफ मास m विद नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम कैन नेवर रीच द सेंटर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल बैरियर, इफ वी मॉडिफाई द पोटेंशियल टू Vr = -K/R - β/R³, वन फाइंड्स दैट देयर इज अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम lc बिलो व्हिच देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल बैरियर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एल सी इज, हमें क्रिटिकल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है, ठीक है, एल सी, तो इसका वैल्यू दे रखा है इन्होंने 4 12 km² β½, ठीक है, एंड दिस। तो आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, तो इसमें भी सेम कह रहा है कि कोई भी अट्रैक्टिव केपलर प्रॉब्लम, ठीक है, डिस्क्राइब बाय सेंट्रल पोटेंशियल, जिसमें पोटेंशियल क्या है Vr = -K/R, और पार्टिकल का मास जो है वो m है, ठीक है, वो नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम, कैन नेवर रीच द सेंटर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल बैरियर, कोई एक सेंट्रीफ्यूगल बैरियर था जिसके कारण ये पार्टिकल क्या हुआ, सेंटर ऑफ में रीच नहीं कर पाया, ठीक है। अब हमने पोटेंशियल जो है
वो मॉडिफाई कर दिया, तो न्यू पोटेंशियल जो है वो वी आर इक्वल टू माइनस के बाई आर माइनस बीटा बाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्या हमने देखा कि देयर इज अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल सी बिलो व्हिच देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल बैरियर। ठीक है, जो क्रिटिकल जो वैल्यू जो एंगुलर मोमेंटम का है एल सी, ठीक है, जिसके नीचे, ठीक है, जिसके नीचे कोई भी सेंट्रीफ्यूगल बैरियर नहीं है, ठीक है, तो हमें वो एल सी निकालना है पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे जैसे हम बाकी क्वेश्चन को डील करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो पहला हमको पोटेंशियल दिया हुआ है वो वी ऑफ आर इक्वल टू माइनस के बाई आर। ठीक है, तो इस पोटेंशियल में क्या था कि जो पार्टिकल था वो कभी भी सेंटर को रीच नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल बैरियर था। ठीक है, तो वी आर इक्वल टू दिस माइनस के बाई आर। ठीक है, तो सबसे पहले ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है तो मुझे वी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा है कि एंगुलर मोमेंटम एल सी, क्रिटिकल एंगुलर मोमेंटम इन्होंने कहा एल सी। ठीक है, ठीक है, तो मैं इस कंडीशन में क्या मानूंगा, जो एंगुलर मोमेंटम जो है मेरा मान लेता हूं मैं एल, तो वी इफेक्टिव हमें पता है जे स्क्वायर होता है, तो यहां पर मैंने एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर, सो इट विल बी माइनस के बाई आर, पहला पोटेंशियल हमने कंसिडर किया। ठीक है, ठीक है, तो अब आप सर्कुलर ऑर्बिट का कंडीशन लगाओ बेटे, तो सर्कुलर ऑर्बिट का जब आप कंडीशन लगाओगे सेम एज यूजुअल हमें मूवमेंट करना है, तो सर्कुलर ऑर्बिट क्या कहता है कि डेल वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर इज इक्वल टू जीरो, तो आप जीरो कर दो इसको इक्वेट करके, तो इसका डिफरेंशियल जो जब आप करोगे तो जो मेरा जो डिफरेंशियल करने के बाद जो वैल्यू आता है वो आता है एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल टू माइनस के बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं आर का वैल्यू निकालता हूं तो आर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एम के। ठीक है, आर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एम के। ठीक है, तो वैल्यू जो मेरा है वो आर इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू के कह सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन एम के। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, अब न्यू पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू निकालना है, तो न्यू व्हेन वी इंट्रोड्यूस न्यू पोटेंशियल, व्हेन वी इंट्रोड्यूस न्यू पोटेंशियल तो जो मेरा जो न्यू पोटेंशियल है वो बेटे वो क्या है, हमको पता है वी ऑफ आर जो न्यू है वो क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, आपने लिखा होगा क्वेश्चन के बाई आर माइनस बीटा अपॉन आर क्यूब, तो दिस इज द मेरा न्यू पोटेंशियल, तो अब मुझे न्यू वी इफेक्टिव लिखना पड़ेगा इस पोटेंशियल के लिए क्योंकि मेरा वी ऑफ आर जो है वो अब चेंज हो गया। ठीक है, तो न्यू अब आर का वैल्यू आप यहां से याद रख लेना, आर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एम के, आप लिख लो कहीं। ठीक है, अब मैं यहां पर रफ कर लो, तो क्योंकि मेरा न्यू पोटेंशियल इज वी आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर माइनस बीटा अपॉन आर क्यूब है, तो यहां पर मैं सीधा इधर न्यू पोटेंशियल के लिए मतलब वी इफेक्टिव लिखता हूं, तो इट विल बी माइनस के बाई आर माइनस बीटा बाई आर क्यूब। ठीक है, तो न्यू वी इफेक्टिव यहां पर माइनस सॉरी टू एम आर स्क्वायर ही रहेगा, मिट गया था तो मैं फिर से लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो अब फॉर क्रिटिकल एंगुलर मोमेंटम मीन्स फॉर क्रिटिकल वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वी इफेक्टिव न्यू वी इफेक्टिव है ना उसको हमें डेल टू वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, जो इसका वैल्यू आएगा वो हमें हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, दैट मींस व्हाट, डेल टू वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, लेकिन कब, उस कंडीशन में जब डेल टू वी इफेक्टिव अपॉन डेल आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू, जो पहले कंडीशन से हमने आर का वैल्यू निकाला था ना, आर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एम के, वो वैल्यू पुट करने के बाद उसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है फिर जो एल होगा वो दैट एल विल बी द क्रिटिकल वैल्यू, तो सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड डिफरेंशिएट करने के बाद आर का जो वैल्यू आएगा आर के जगह पर हमें एल स्क्वायर अपॉन एम के पुट करना पड़ेगा, फिर उसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे तो एल का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, अब देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले डेल बी इफेक्टिव अपॉन डेल आर, एक बार अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू विल बी
माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब ओके प्लस के बाय आर स्क्वायर ओके प्लस थ्री बीटा बाय आर टू द पावर फोर। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूं डेल टू बी इफेक्टिव अपॉन डेल आर टू, तो जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा थ्री एल स्क्वायर अपॉन एम आर फोर माइनस टू के अपॉन आर क्यूब माइनस ट्वेल्व बीटा अपॉन आर फाइव। ठीक है, ठीक है, अब मुझे ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए, आर के प्लेस में मुझे एल स्क्वायर अपॉन एम के बिठाना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसको जीरो के बराबर इक्वेट करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर कह सकता हूं थ्री एल स्क्वायर अपॉन एम, आर के प्लेस में मैं क्या बिठाऊंगा एल स्क्वायर अपॉन एम के ओके एम के टू दी पावर फोर माइनस टू के, सिमिलरली अपन आर के जगह पर एल स्क्वायर अपॉन एम के टू दी पावर थ्री माइनस ट्वेल्व बीटा अपॉन आर के जगह पर एल स्क्वायर अपॉन एम के टू दी पावर फाइव शुड इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो एल का वैल्यू आएगा दैट विल बी द क्रिटिकल वैल्यू, वही आंसर है। ठीक है, तो यहां पर इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं थ्री एल स्क्वायर अपॉन, देखो ये क्या आ जाएगा m, यहां पर आ जाएगा l8, l8 अपॉन m4 k4 ओके माइनस 2k अपॉन l6 अपॉन m3 k3 ओके ओके माइनस 12 बीटा अपॉन l10 5 to the 10 and it will be m5 k5 is equal to 0. अब देखो यहां से मैं कह सकता हूं 3 l square by 1 into यह आ जाएगा m3 k4 upon l8 minus 2 k by 1 into m3 k3 3 upon l6 minus 12 बीटा अपॉन 1 इंटू एल टेन नीचे आ जाएगा, तो यहां पर आ गया एम फाइव के फाइव शुड इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां से मैं देखो एल स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा एल सिक्स। ठीक है, तो इट द वैल्यू ऑफ दिस विल बी थ्री एम क्यूब के फोर बाई एल सिक्स माइनस टू के, सो इट विल बी टू एम थ्री के फोर अपॉन एल सिक्स माइनस ट्वेल्व बीटा एम फाइव के फाइव अपॉन एल टेन वैल्यू शुड इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर हम सिमिलरली अगर मैं एम थ्री के फोर बाई एल सिक्स कॉमन ले लेता हूं, उसको राइट हैंड साइड में भेज देता हूं, तो मेरे पास यहां पर बचता क्या है थ्री माइनस टू एंड इट विल बी माइनस ट्वेल्व बीटा एंड एम थ्री के फोर, तो एम स्क्वायर के बचता है और नीचे बचेगा एल सिक्स का तो एल फोर शुड इक्वल टू जीरो। थ्री माइनस टू इज वन, सो वन, सो मैं कह सकता हूं माइनस ट्वेल्व बीटा एम स्क्वायर के अपॉन एल फोर इज इक्वल टू माइनस वन, तो कैंसिल हो जाएगा, तो एल का जो वैल्यू आ जाएगा एल शुड इक्वल टू ट्वेल्व बीटा एम स्क्वायर के टू दी पावर वन बाई फोर। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर जो है आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल। ठीक है, तो सब इन जनरल मैं क्या कहने वाला था, कुछ इतने क्वेश्चन मैंने हर एक वैरायटी के क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन को हमने बेसिक जो नींव जो है हम कहते हैं वो हमने वी इफेक्टिव निकाल कर ही किया है। ठीक है, दैट मीन्स हमने सबसे पहले क्या निकालने की कोशिश की है वी इफेक्टिव, जिसका वैल्यू क्या होता है जे स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, और जो भी पोटेंशियल दिया होगा वो वी आर। फिर हमें क्या करना है डेल वी इफेक्टिव अपॉन
डेल आर मीन सर्कुलर ऑर्बिट का कंडीशन लगाना, उसको जीरो के बराबर करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करना, अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है तो उसका वैल्यू आता है के अपॉन एम, ठीक है। एंड के इज वॉट डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू या तो डेल आर टू एट आर इक्वल टू आर नॉट, ठीक है। तो इस टाइप का कंडीशन, और हमें एक और एक पता है जे इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो कुछ इस टाइप का आइडेंटिटी जब हमने यूज किया फिर सारा क्वेश्चन हमारा बन पड़ा था, ठीक है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन पैटर्न है इसमें और आगे एक दो क्वेश्चन हैं जो कि मैं अभी नहीं करा सकता क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि इतना क्वेश्चन सफिशियंट है आपको इस टाइप के क्वेश्चन से डील करने के लिए। और आगे अगर थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं बिल्कुल इसी प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।